लीचो, मेरा लीचो, पैर लीचो, लीचो, मेरा पैर बहुत दुख रहा। हाँ, कोई बात नहीं, बस डॉक्टर, द मेटाटार्सल्स ऑफ द फुट सीम टू बी फाइन, बट आई थिंक उंगली में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, बाकी देर आर नो साइंस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। और मैंने ना रास्ते भर इसके पैर पर आइस रखी थी फॉर द पेन। आप भी डॉक्टर हैं क्या? नहीं, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। नहीं, आपने अच्छा फर्स्ट एड दिया, वरना बात बिगड़ सकती थी। गुड जॉब। थैंक यू। तुम मेरे विराट के लिए फरिश्ता बनकर आई हो। थैंक यू। मैं तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गई। सही जोशी। इनके पैर का एक्सरे करना होगा, इन्हें एक्सरे रूम में ले जाओ। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे बॉर्डर लगता है। तुम चली जाओ ना इसके साथ, तुम्हें पता है कहाँ क्या करना है। मुझसे तो इसका दर्द ही नहीं देखा जाता है, कैसे संभालूंगी इसे। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अब चलो, अंदर चलो। आप ब्रेव बॉय हो ना, अब ट्रीटमेंट कराओगे तभी तो ठीक होगे। कम कहीं सही नागपुर के लिए तो नहीं निकल गई होगी, और हम उसे यहाँ पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं जबकि वो यहाँ होगी ही नहीं। नहीं दादा, ऐसे बिना बताए वहीं अकेले कैसे जाएंगे? बस में चली गई होगी। नहीं नहीं विराट, सही भाभी ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती भाई, जब सही गुस्से में होती है ना वो कुछ भी कर सकती है। नहीं, वहीं नहीं जा पाएंगे। तो मुझे याद है वहीनी का बस तो गाड़ी में ही, बिना पैसों के कैसे जाएंगे? अगर उसे कुछ हो गया तो? अरे वो इस जगह से बिल्कुल अनजान है, मुझे तो लगता है उसे उसे रिजॉर्ट तक का भी रास्ता नहीं पता होगा। यार तू देख, नेगेटिव मत सोच यार, भाभी मिल जाएगी, तू पॉजिटिव सोच प्लीज यार। हाँ दादा। सही कहाँ गई होगी यार सही, पिछली बार जब वो ऐसे गुस्से में गई थी तब, आई होप वैसा ना हो इस बार, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ चली गई हो तुम? सही सही कहाँ तुम? दादा दादा प्लीज 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 काम डाउन, ढूंढ लेंगे वहीनी को, जस्ट काम डाउन। ताई ताई, विराट ठीक है ना? हाँ हाँ, बप्पा जी का शुक्र है, डॉक्टर ने कहा है अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसका इलाज चल रहा है। अच्छा हो गया सही टाइम पर वो लड़की आ गई, अगर वो ना आती तो पता नहीं क्या होता। उसी ने विराट को फर्स्ट एड दिया और उसको बातों में लगाकर यहाँ लाने में मेरी मदद की। सच में वो लड़की फरिश्ता है, फरिश्ता। आराम से। सैम भैया, पता नहीं सम्राट अब कभी वापस आएगा कि नहीं। ऐसी बातें मत करिए, हमें उम्मीद हारनी नहीं चाहिए। उम्मीद रखने के अलावा कुछ और क्या कर सकते हैं हम? एक साल होने को आया है पर पाखी ने हिम्मत नहीं हारी, आगे भी नहीं हारेगी। लेकिन कल जब फोन पे बात हुई इससे तो ये इतनी परेशान लग रही थी ना, जैसे इंतजार अब इसकी हिम्मत से बाहर है। भवानी जी, इसलिए हमने सोचा कि अपने घर जाएगी थोड़े दिन तो अच्छा लगेगा इसे। हम तो पत्रलेखा के साथ ही हैं, अगर इसे आपके घर में रहकर कुछ दिनों के लिए अच्छा लगेगा तो क्यों नहीं? लेकिन कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि मैं हमेशा के लिए अपने आई बाबा के घर लौटना चाहती हूँ। वैसे भी मैं कई दिनों से कह रही थी कि मुझसे अब यहाँ पर ज़्यादा रुका नहीं जा रहा, लेकिन अब मैंने अपना पक्का फैसला बना लिया है।
पत्र लिखा। बेटे माना कि तुम काफी दिनों से ये बात कर रही थी, लेकिन हमें लगा कि तुम बस उदास हो इसलिए ऐसा कह रही हो। इनाया पत्र लिखा, तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती, तुम इस घर की बहू हो। हाँ सोनाली मामी, मैं हूँ इस घर की बहू, लेकिन इस घर का बेटा मेरा पति कहाँ है? पूरे एक साल हो गए उसे यहाँ से गए हुए और मैं अभी भी उसके इंतजार में यहाँ पड़ी हुई हूँ। और इस एक साल में मेरी बेटी ने बहुत कुछ बर्दाश्त की है। शादी के मामले में बदकिस्मत रही है, लेकिन ये बदनसीबी का दर्द लेके पूरी जिंदगी जी तो नहीं सकती ना भवानी जी। अब एक साल में कोई खबर नहीं आई सम्राट की, अब तो लगने लगा है कि वो वापस आएगा यहाँ। वैष्णव जी प्लीज ऐसी अशुभ बात मत कीजिए। भवानी जी मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे दामाद को कोई भी आ जाए। लेकिन इस दर्द के साथ अपनी बेटी को जीते हुए देख भी तो नहीं सकती ना। हम ऐसी उम्मीद का दामन थाम कर कब तक ऐसे इंतजार करते रहे आप बताइए। कैसा है, कितनी बार बोला है ध्यान रखा कर अपना, कहाँ लगी दिखा। सही, ये विराट के सैम भैया हैं, ये इन बच्चों को संभालने में मेरी मदद करता है। सैम ये सही है, आज इन्हीं की वजह से विराट सही सलामत है। तुम दोनों बातें करो, मैं सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आती हूँ। थैंक यू सो मच, आपको नहीं पता आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। ये शैतान मेरी जान है, अगर इसे कुछ हो जाता ना तो पता नहीं मैं क्या करता। थैंक यू सो मच। सैम, सैम से सम्राट, अगर सम्राट दादा जिंदा है यहाँ है तो ये घर क्यों नहीं आ रहे, या इन्होंने अभी तक किसी को फोन क्यों नहीं किया? कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही, ये सच में विराट सर के सम्राट दादा है भी, या शायद मैं गलत ही सोच रही हूं। क्या हुआ सही दीदी, आप कब हो गए? नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रही थी आपको विराट की कितनी परवाह है। हाँ वो तो है, वैसे आप महाबलेश्वर घूमने आई थी, आई मीन टूरिस्ट। हाँ मैं महाबलेश्वर ही घूमने आई थी, टूरिस्ट। फैमिली के साथ? सोलो ट्रिप, सोलो ट्रिप, अकेले घूमने आई हूँ। सोलो रियली? हो। और मराठी, आप महाराष्ट्रियन हैं? हाँ मैं महाराष्ट्रियन, आप भी ना? वाओ ये महाराष्ट्रियन भी है, मुझे पूरा यकीन है ये विराट सर के सम्राट दादा ही है, लेकिन मैं ये बात कंफर्म कैसे करूं? क्या चैम, आज तेरे हैप्पी बर्थडे पे फुल धमाल करना है। वैसे आप कहाँ रहते हैं? आपका घर यहीं कहीं आसपास है क्या? मेरा घर? एक्चुअली मैं भी इन बच्चों के साथ ही रहता हूँ। ऑर्फनेज में, बाल मंदिर, मैं वहां रहता भी हूँ और ताई की मदद भी करता हूँ। मैं भी आ सकती हूँ क्या? मेरा मतलब मुझे बच्चे बहुत पसंद है ना, और मैं सबसे मिल भी लूंगी, है ना? Yes. Yeah, sure. आप आ जाइए, इनफैक्ट आप आज ही आ जाइए। वो क्या है कि आज हमारे ऑर्फनेज के बच्चों का जन्मदिन है,
तो हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप हमारी चीफ गेस्ट बन के आ जाइए। सारे बच्चों का जन्मदिन, मतलब हैप्पी बर्थडे सब बच्चों का एक साथ कैसे? वो क्या है ना कि हमारे ऑर्फनेज के ज्यादातर बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, और बहुत सारे तो ऐसे बच्चे जिनका कोई नाम भी नहीं होता है। तो ये हमने डिसाइड किया कि हम सारे बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन मनाते हैं, एक साथ। वो क्या है कि हर बच्चा अपने आप में खास होता है, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में, लेकिन हमारे लिए हर बच्चा एक जैसा होता है। तो हम सबका बर्थडे एक दिन मनाते हैं ताकि उन सबको इक्वल फील हो। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप जैसे इतने अच्छे इंसान से मिली। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, हर किसी के बस की बात नहीं होती इस तरीके से जिंदगी को जीना। मेरी जिंदगी तो मुझसे पहले ही धोखा कर चुकी है। क्या कहा आपने? नहीं, वो बस मैं ये कह रहा था कि मैं हमेशा से ऐसी जिंदगी नहीं जी रहा था। मैं हमेशा ऐसा नहीं था, ऐसी नहीं थी मेरी जिंदगी, लेकिन फिर अचानक मेरे जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं बचा। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी जिंदगी को एक नया मकसद मिला, यहाँ के बच्चे और उनकी खुशी। आप इन बच्चों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वाकई कमाल है, काबिले तारीफ है। मुझे पूरा यकीन है ये सब करके आपको बहुत खुशी मिलती होगी और आपकी जिंदगी के नए मकसद से आप सेटिस्फाइड भी होंगे। हाँ, मैं इन बच्चों के लिए जो कुछ भी करता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले आप क्या करते थे? मैं अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में किसी से बात नहीं करता। वैसे बच्चे काफी खुशनसीब हैं आपको अपनी जिंदगी में पाकर। नहीं, खुशनसीब तो मैं हूँ जो मुझे ये मिल गया। मुझे एक नई राह, एक उम्मीद मिल गई। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी राह पे चलते हुए बिताना चाहता हूँ। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना। पुरानी जिंदगी? आपकी पुरानी जिंदगी कैसी थी? मतलब अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मेरी बीती हुई जिंदगी में इतना दिलचस्पी क्यों ले रही? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो एक्चुअली मेरे दिमाग में ना हमेशा एक सवाल रहता था कि जो लोग अपनी पुरानी जिंदगी को एकदम भुलाकर ऐसे नेक कामों में लग जाते हैं, खुद से पहले दूसरों की खुशियों का ख्याल करते हैं, उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ होता है जो वो ऐसी राह चुनते हैं? मैंने ये राह चुनी नहीं थी, बल्कि मेरी किस्मत ने मुझे इस राह पे लाकर खड़ा कर दिया था। मुझे मेरी पुरानी जिंदगी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था एक ऐसा कड़वा सच बताकर जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसे सही करना या बदलना मेरे हाथ में नहीं था। मैंने अपने अतीत में जाना छोड़ दिया क्योंकि अब मुझे वो बातें जरूरी नहीं लगती। जरूरी बात यह है कि अब मैं पहले से बेहतर जिंदगी जी रहा हूं। हाँ, वो देखिए ना, हम दोनों कितनी देर से खड़े होकर यहाँ बातें कर रहे हैं और मैंने आपसे पूछा ही नहीं आपको पूरा नाम क्या है और महाराष्ट्र में आप कहाँ से हैं? रिश्ते से तो मुझे आपको दादा कहना चाहिए। प्लीज एक बार कह दीजिए कि आपका पूरा नाम सम्राट चव्हाण है। प्लीज कह दीजिए कि आप नागपुर से हैं। आप मेरा पूरा नाम क्यों जानना चाहते हैं और मैं कहाँ से हूँ, इससे आपको क्या करना? सोप मराठी वर प्रेम, बोला ना, तुमचा नाव काय आहे? लगता है आप अपनी पुरानी जिंदगी के साथ साथ अपनी भाषा भी भूल गए। मुझे मराठी आती है। खैर मेरी बात छोड़ो, आप अपनी बात करिए। आपका नाम क्या है और कहाँ से आई हैं आप? मैं मेरा नाम सही जोशी है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, लेकिन आपने अभी तक अपना पूरा नाम नहीं बताया श्याम दादा। आज बहुत दिनों बाद मुझे किसी ने दादा कह के बुलाया है, आप इसे ही मेरा पूरा नाम समझ लीजिए। आप मुझे सैम दादा कह के बुला सकती हैं। थैंक यू सिंह, अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो आप आ रही हैं ना?
हमारी चीफ गेस्ट बनके बाल मंदिर, नाम याद कर लीजिए जी। बाय सईन दीदी। बाय 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 बाय। पप्पा मुझे पूरा यकीन तो नहीं है लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि विराट सर के सम्राट दादा ही हैं। मेरे दिल की बात सच साबित कर दो पप्पा, घर पे सब इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विराट सर तो कब से ढूंढ रहे हैं इन्हें। जी मैं आईपीएस विराट सवान बोल रहा हूँ, नागपुर पुलिस। जी मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ घूमने आया हूँ और कुछ घंटों से वो मिसिंग है, मुझे यहाँ के लोकल पुलिस की मदद चाहिए। जी मैं मॉल रोड पे हूँ। जी मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी भेजिए। ओके। हर जगह ढूंढ लिया उसे यार, कहीं नहीं मिल रही। कोई इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। अदा क्या करना है अब आगे? पता नहीं यार। विराट सर! विराट सर! सही वहिनी, तुम्हारा दिमाग खराब है। सही कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारी राह देख रहे, कब से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे। क्या कहा था तुमने मुझसे? रिजॉर्ट की चाबी पूछकर गई थी ना तुम मुझे? हाँ विराट सर, लेकिन आप तो कहाँ थी तुम? पहुँचने में इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें? कितनी देर लगा दी तुम्हें? तुम्हें पता कितने परेशान थे हम तीनों, कब से ढूंढ रहे, कुछ हो जाता तो। हाँ विराट सर, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा होगा ना ये कि अनजान जगह है, तुम इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानती, ना रास्ते जानती हो, ना किसी को भी जानती हो यहाँ पर, नहीं सोचा होगा ना। और तो और तुम सही अपना फोन, अपना पर्स, सब कुछ भूल के गई। इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत तुम कैसे कर सकती थी? ठीक कहते सब लोग, मैंने एक बच्ची जैसी हरकतें करने वाली लड़की से शादी की है, बिल्कुल इमैच्योर हो तुम, बिल्कुल। दादा जिसे ना लोगों की परवाह की समझ है, ना उनके प्यार। सही तुम अपने से ज्यादा किसी की तकलीफ ना समझ पाती हो, ना परेशानी समझ पाती हो, ना कुछ भी। दादा प्लीज प्लीज सबसे पहले आप शांत हो जाइए। शांत हो जाए यार, आगे ना भाभी। अब चुप। अरे कैसे शांत हो जाऊं यार? तुम्हारा बढ़िया है सही जोशी, तुम्हें अच्छा लगता है ना मुझे परेशान करना। अरे किस बात का बदला ले रही हो तुम मुझसे? हो आपको लगता है मैं आपसे किसी चीज का बदला ले रही हूँ? और नहीं तो क्या, क्या कर रही हो तुम? जब देखो नाराज होकर चली जाती हो, एक बार भी ये नहीं सोचते कि कुछ लोग होंगे जो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, कैसे कैसे बुरे ख्याल आ रहे होंगे उन्हें, सोचा तुमने एक भी बार? नहीं भाभी, विराट एकदम ठीक कह रहा है। आपने हमको किसी को नहीं बताया कि आप कहां जा रही है। आपको पता हम लोग कितना परेशान हो गए थे, हमने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। अरे लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन? हाँ, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में बिजी हो गई थी और फिर मुझे कोई मिल गया था। मिनी, अभी आप अपनी गलती को जस्टिफाई कर रही हैं। आपको पता है हमारे मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। नहीं मोहित भैया, मैं अपनी गलती जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं सच में बिजी हो गई थी। अरे मुझे नहीं जानना है सही कि तुम बिजी हो गई थी, कहाँ बिजी हो गई थी, किससे मिल गई थी। मुझे बस एक चीज पता है सही कि हम तीनों इतने परेशान थे तुम्हारे लिए कि तुम्हारी मिसिंग कंप्लेन करवाने जा रहे थे। मिसिंग कंप्लेन मेरी? हाँ। अरे मेरी मिसिंग कंप्लेन के बारे में भूल जाइए, मैंने तो शायद एक मिसिंग बंदा ढूंढ लिया। इसे मिसिंग बंदा? कौन बंदा मिल गया, कहाँ मिल गया तुम्हें? और तुम क्या बत्तीसी फाड़ रही हो, तो कितनी खुश क्यों लग रही हो तुम? हाँ? अरे बताती हूँ बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ना मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मेरे पेट में ना चूहे बिल्ली सब लामनी कर रहे हैं, प्लीज पहले कुछ खा ले प्लीज। आप लोग भी खाइए ना, मुझे ढूंढने के चक्कर में आप लोगों ने कुछ खाया ही नहीं होगा, भूखे होंगे, खाइए ना। आप लीजिए ना, प्लीज खाइए खाइए, एंजॉय कीजिए। अरे खाइए ना विराट सर, भूख नहीं है। खा लीजिए, वैसे भी मैं जो बताने वाली हूँ ना उसके बाद आपको और जोरों से भूख लगी। क्या बताने वाली हो, क्या बोलने वाली हो, सही कब से क्या बोल रही हो तुम, साफ साफ बोलो ना। आप खुद ही गेस करो ना। शिवा पहले मत बुझाओ सही, और तुमने मुझे शिवा क्यों बुलाया? क्यों? लोग तो आपको इसी नाम से बुलाते हैं ना। बोलिए।
वहिनी, आप जानती है ना दादा के लिए मैटर कितना सेंसिटिव है। मुझे पता है ये सेंसिटिव मैटर है, इसलिए तो इस मैटर को उठा रही हूँ। बात को गोल गोल मत घुमाओ, प्लीज जो कहना है सीधे सीधे कह दो। क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने आपका जीवा ढूंढ लिया है विराट सर। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। आ रही है रुक्मणी, खेलने आपके साथ आंख मिचोली। 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।